हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी फोर डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रॉपर्टी थ्री मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव भी बोला जाता है यहां पे हम लोग अब स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी फोर डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी ठीक है इसको इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी बोला जाता है इफ लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस है लाप्लास है तो हम लोग क्या करेंगे ये जो डिवाइडेड बाई टी है उसको हम रिमूव करेंगे उसका हम करेंगे इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट ds ठीक है ये जो डिवाइड में टी है उसका ये टर्म आएगा और लाप्लास बचेगा एफ ओफ टी का ठीक है और एफ ओपटी का लाप्लास क्या है एफओफेस तो इंटीग्रेशन एस टू इन्फीनिटी लाप्लास एफ ओफ टी का क्या है F of S, ds अब यहां से हमको आगे इंटीग्रेशन लेना है ठीक है चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए चलिए तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइन लाप्लास साइन ओमेगा ठीक है तो चलिए इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ये जो डिवाइड टी है उसको हम एस पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके रिमूव करेंगे ठीक है तो इसका होगा एस टू इंफिनिट इंटीग्रेशन डी एस लाप्लास किसका रहेगा साइन ओमेगा टी का ठीक है ये जो डिवाइड में टी है वो एस पर फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग रिमूव करके इंटीग्रेशन लिमिट एस टू तो इंफिनिटी और डीएस करेंगे लाप्लास बचेगा साइन ओमेगा टी का ठीक है अब इंटीग्रेशन एस टू तो इंफिनिटी एज इट इज लाप्लास साइन ओमेगा टी, एस पर फाइव फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वा डीएस ठीक है अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है तो ये ओमेगा कॉन्स्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं

यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ओमेगा ठीक है तो ये जो बाहर ओमेगा है वो एज इट इज रहेगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वन बाय ओमेगा टेन इनवर्स एस बाय ओमेगा ठीक है और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट देंगे एस टू इन्फिनिटी यहाँ पे ओमेगा कैंसिल कर देते हैं चलिए अब जहाँ पे भी आपको एस दिखे वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फिनिटी रिप्लेस करना है ठीक है तो ये होगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस जहां पे एस है उसकी जगह एस रिप्लेस करेंगे तो वो सेमी टर्म रहेगा टेन इनवर्स एस ओमेगा ठीक है तो चलिए टेन इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू हमारे पास है पाई बाई टू ठीक है माइनस टेन इनवर्स एस बाई ओमेगा एज इट इज पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस ओमेगा का आंसर होगा कोट इनवर्स एस ओमेगा ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया लाप्लास साइन ओमेगा टी बाई टी का आंसर है हमारे पास कोर्ट इनवर्स एस है चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं चलिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल है लाप्लास टू टू डिवाइडेड ठीक है तो ये डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे हम लोग ये डिवाइड में जो टी है वो रिमूव करके हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी डी एस ठीक है लाप्लास किसका हमारे पास रहेगा ई रेस्ट टू माइनस बी टी E चले इंटीग्रेशन एज इट इज इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी अब हम क्या करेंगे e इस्तेमाल करके करेंगे थीके? तो टी e का लाप्लास हमारे पास क्या है 1 s a. तो ई रेस टू माइनस बीटी का लाप्लास क्या होगा एस प्लस बी माइनस इेस टू माइनस एटी का लाप्लास एज पर थर्ड फॉर्मूला ठीक है तो चलिए आगे हम इसका इंटीग्रेशन ले गए वन डिवाइडेड बाय एस प्लस बी का इंटीग्रेशन होगा लोग एस प्लस बी माइनस वन डिवाइडेड बाय एस प्लस ए का इंटीग्रेशन होगा लोग एस प्लस ए ठीक है इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लोग का रूल इस्तेमाल करेंगे दो लोग है बीच में माइनस है ठीक है तो ये होगा लोग एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए ठीक है इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इन्फिनिटी चलिए अब हम क्या करेंगे जहां पे भी आपको एस दिखे वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है इन्फिनिटी ठीक है तो यहां पे इंफिनिटी प्लस बी आंसर क्या होगा इन्फिनिटी डिवाइड में एस की जगह पे इन्फिनिटी रिप्लेस कीजिए तो वो होगा इन्फिनिटी प्लस दैट डिवाइडेड हैिटी वो हो जाएगा वन और लॉग वन का वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो माइनस अब हम क्या करेंगे जहां पे भी आपको एस दिखे एस की जगह पे एस रिप्लेस करना है तो वो टर्म सेम रहेगा लोग एस प्लस बी डिवाइडेड बाय एस प्लस ए अब हम क्या करेंगे ये माइनस साइन है उसको हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉग में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा तो ये होगा लॉग एस प्लस ए डिवाइडेड बाई एस प्लस बी ठीक है ये माइनस साइन हम कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर शिफ्ट किया है ये है हमारा फाइनल आंसर चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं चलिए हमारा थर्ड एग्जांपल है फाइन लाप्लास वन माइनस कोस टू टी डिड बाई टी ठीक है चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो डिवाइड में टी है उसको रिमूव करेंगे तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी डी एस ठीक है ये डिवाइड में टी हम रिमूव कर देंगे एस पर प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लाप्लास किसका रहेगा वन माइनस कोस टू टी का ठीक है चलिए इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी अब हम वन का लाप्लास लेंगे एस पर फॉर्मूला वन वन का लाप्लास क्या है बाय का लाप्लास क्या होगा S पर नंबर डिवाइडेड चलिए अब हम क्या करेंगे वन बाय का इंटीग्रेशन हमारे पास लॉग एस है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नीचे का कहाँ पे करेंगे? उपर, तो ये फिर से टर्म लिखते हैं इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी वन बाय माइनस यहाँ पे क्या करेंगे टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और टू के साथ डिवाइड करेंगे ठीक है डिवाइड में है एस स्क्वायर प्लस फोर ठीक है यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एफ डे एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसका आंसर क्या होगा लोग एफ ऑफ एक्स इसका मतलब जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका डेरिवेटिव कहा मिलना चाहिए आपको न्यूमिनेटर में ठीक है तो नीचे जो भी डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको हम लोग लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए एस का डेरिवेटिव क्या होगा वन तो नीचे का डेरिवेटिव कहाँ है ऊपर तो इसका इंडिगेशन होगा लोग यहाँ पे भी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है टू एस और फोर का जीरो दैट मीनस नीचे जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव हमको कहा मिल रहा है ऊपर ठीक तो है तो चलिए इंटीग्रेशन लेते हैं वन बाय का इंटीग्रेशन क्या है लॉग एस माइनस ये वन बाई टू एज इट इज यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका आंसर होगा लोग एस स्क्वायर प्लस फोर ठीक है यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट होगा एस टू इंफिनिटी चलिए आगे सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे लोक का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे लॉग एस माइनस ये वन बाई टू को यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करेंगे ठीक है तो लॉग एस स्क्वायर प्लस फोर रेस टू वन बाई टू ठीक है यहाँ पे लोक का प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है इज़ इक्वल टू अब हम क्या करेंगे लोग यहाँ पे दो लोग है बीच में क्या है माइनस ठीक है तो ये होगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर रेस टू वन बाई टू ठीक है यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट एस टू इंफिनिटी अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जहां पे भी आपको एस दिखे आपको इन्फिनिटी रिप्लेस करना है तो एस पर एल हॉस्पिटल रूल ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो ठीक है तो ये होगा जीरो माइनस अब जहां पे एस दिखे आपको एस लिखना है ठीक है तो ये पूरा टर्म एज इट इज रहेगा लॉग एस डिवाइडेड बाय इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं ठीक है अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर चलिए अब हम क्या करेंगे ये माइनस हमको कैंसिल करना है ठीक है तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा तो ये होगा लॉग अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाय एस ठीक है ये है हमारा फाइनल आंसर तो फ्रेंड्स आज हमने स्टडी किया है प्रॉपर्टी फोर डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे ठीक तो है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद